डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कोटिलेशन एंड इंडिकेशन में हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ ली थी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में हमने क्या पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा ऑर्गन डिस्कस कर लिया था, फंक्शन डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके डिसऑर्डर, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इसमें हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड इसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर। ये दोनों हमारे उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर, ठीक है। तो सभी कहीं लगा रहे हैं डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है इसमें क्रिएटिनिज्म, देखो ये जितनी भी डिजीज कोज होती है ना, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स जितने भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी डिजीज कोज होती है हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपरसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखना, या तो क्या हो जाएगा, थायरॉइड कमी हो जाएगी या थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज कोज होती है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिएटिनिज्म, जो क्रिएटिनिज्म डिजीज कोज होती है ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। अर्ली एज में, यदि अर्ली एज में क्या हो, यदि अर्ली एज में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में, तो ये डिजीज कोज होती है जिसका नाम है क्रिएटिनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं उस इंडिविजुअल में, तो सबसे पहले तो उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट लो हो जाएगी, ठीक है, बीएमआर लो हो जाएगी। सेकेंडरिज्म क्या होगा, उसमें मेंटल रिटार्डेड होगा, उसकी ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड, ऐसा इंडिविजुअल सफर करेगा लेट केमेटोजेनेसिस, स्टेराइल होगा, ठीक है, क्या होगा, स्टेराइल होगा, केमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस उसमें नहीं होगा, एंड ऐसा इंडिविजुअल द्वार्फ रह जाएगा, उसमें प्रॉपर लंबाई नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। चार कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। ये डिजीज कोज किससे होती है, तो कोज का रीजन है इसमें ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन अर्ली एज, ठीक है। अब इसमें इंडिविजुअल किससे सफर करेगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बीएमआर क्या होगी इस इंडिविजुअल की, बीएमआर आर लो, ठीक है। सेकंड क्या होगा इसमें, मेंटली रिटार्डेड होगा ऐसा पर्सन, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ऐसा पर्सन, ड्वार्फ होगा, ठीक है, क्या होगा, ड्वार्फ होगा, स्टेराइड होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स आते हैं ऐसे पर्सन में जिसमें कौन सी डिजीज कोज होती है, क्रिएटिनिज्म, कौन कौन से, बीएमआर लो, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये लो हो जाती है उसकी इंडिविजुअल की, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, ड्वार्फ होते हैं या स्टेराइड होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बारे में सेकेंड डिजीज है इसमें कौन सी, हमारी सेकेंड है इसमें मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा किसकी वजह से होता है, यदि डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, यदि डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, ठीक है, यदि किसकी डेफिनेशन हो जाए आयोडीन की, या डेफिनेशन हो जाए किसकी, या डेफिनेशन हो जाए थायरोक्सिन की बोले आप, ठीक है। यदि थायरोक्सिन की डेफिनेशन हो जाए एडवांस एज में, ये अर्ली एज में था, ठीक है, यदि थायरोक्सिन कमी हो जाए एडवांस एज में, तो डिजीज कोज होगी जिसका नाम है मिक्सोडेमा, उसका नाम है मिक्सोडेमा। और इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा म्यूकस का किसके नीचे, स्किन के नीचे, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा म्यूकस का स्किन के नीचे, स्किन के नीचे म्यूकस जमा होने लग जाएगी इसमें, ठीक है, इस डिजीज में मिक्सोडेमा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर इसके कोज की बात करें तो ड्यू टू डेफिशिएंसी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन
ठीक है। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे इंडिविजुअल में वो देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस बिलो द स्किन, स्किन के नीचे एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसका म्यूकस का, ठीक है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा स्किन के नीचे, ठीक है। एक्सोडेमा कंप्लीट हो गया हमारा, एक्सोडेमा के बाद में क्या आएगा इसमें सिंपल गटर, एक्सोडेमा के बाद में सिंपल गटर, फिर एक्सोथेल्मिक गटर और फिर एंडेमिक गटर, ये तीन डिजीज हो रहे हैं। देखो इनको भी एक एक करके सबसे पहले देखें इसमें हम क्या, सिंपल गटर में क्या होगा बताओ, इसमें विटामिन इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जो उसकी डाइट होती है पर्टिकुलर पर्सन की डाइट में यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, होगी सिंपल गोइटर, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को गेन करने के लिए हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इसका साज एनलार्ज हो जाता है, जिसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये कौन सी क्यों कैसे होगी डिजीज, देखो आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट, ठीक है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उसके सिम्टम्स की बात करें हम, उसमें जो सिम्टम्स एराइज होंगे जैसे हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या हो जाएगा, ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज साइज ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या सिंपल गोइटर, इसके बाद में आता है एक्सोथेल्मिक गोइटर, एक्सोथेल्मिक गोइटर में क्या होगा थायरोक्सिन हार्मोन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों इंक्रीज हो जाएगी देखो इधर, क्योंकि इसमें क्या हुआ थायरोक्सिन हार्मोन की कंसेंट्रेशन इस वजह से इंक्रीज होगी क्योंकि जो ग्लैंड का साइज है वो क्या है इंक्रीज हो चुका है, इस वजह से डिस्पोज होगी। तो नेक्स्ट है एक्सोथेल्मिक गोइटर, एक्सोथेल्मिक गोइटर, ठीक है। एक्सोथेल्मिक गोइटर में क्या होगा देखो, ड्यू टू जियोग्राफिकल एरिया में होती है जहां पर वाटर में किसी कमी हो आयोडीन की कमी हो
या फिर सोइल में कमी हो, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो डिजीज पोच होती है उसे बोलते हैं हम, तो इसकी वजह से क्या है कमी से, ठीक है। जैसे डिजीज को बोलते हैं हम एंडेमिक वेक्टर, ठीक है। तो डिजीज एराइज इन ए पर्टिकुलर एरिया वेयर डिक्रीज कैसे करके रखता है, तीन वे से डिक्रीज करता है ये ब्लड में कैल्शियम को। देखो सबसे पहला वे क्या है, ये क्या करता है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा कहां से, इंटेस्टाइन से, कहां से कर देगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा इसका कैल्शियम का जो कि लैक्टियस के थ्रू होता है, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, मोबिलाइज कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम ब्लड टू ब्लड में से कैल्शियम प्लस टू को कहां पर भेज देगा, ये बोन्स में भेज देगा, ठीक है, मोबिलाइज कर देगा उनको। एंड लास्ट कौन सा है इसमें, देखो यहां पर क्या कहता हूं, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस फ्रॉम इंटेस्टाइन, यहां पर क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम प्लस टू का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, नेफ्रॉन्स में, तो वहां से रीएब्जॉर्प्शन को भी क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इट डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम
स्ट्रॉन्ग से क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, इसको डिक्रीज कर देगा। देखो पढ़ो इसको अच्छे से एक बार, ठीक है। इसके बाद में मेरा थायराइड भी है, ये हो गया हमारा थायराइड के बाद तीन वैसे ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, कैल्शियम प्लस टू को ब्लड में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज में हमारा ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट। थायराइड ग्लैंड के साथ में हमने दो पेयर देखे थे, किसके याद करो, दो पेयर में हमने एक और ग्लैंड देखी थी जिसका नाम है पैरा थायराइड ग्लैंड, इसका क्या नाम है, पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं हम, और एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है पीडीएच या पैराथार्मोन, जो कि एंटागोनिस्ट होता है इसके कैल्सिटोनिन के, इसके अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। ये जो भी लिखा है हमने ये डायरेक्ट इसका अपोजिट करेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा था, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा मोबिलाइजेशन किसका, कैल्शियम प्लस टू का, कहाँ से, बोन से ब्लड में, बोन से ब्लड में कैल्शियम प्लस टू का मोबिलाइजेशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम नेफ्रॉन्स, यहाँ पर डिक्रीज है कैल्शियम प्लस टू का, क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा कौन, पैराथार्मोन पीडीएच, ठीक है ना। ये क्या सीक्रेट करती है, पैराथार्मोन, ये देखो तुम बता देता हूँ एक बार स्ट्रक्चर, जब हमने थायराइड ग्लैंड डिस्कस किया था ये दो लोब थे, किसके थायराइड ग्लैंड के दो लोब थे, इसको आपस में कनेक्ट करा दो लोबों को, इसके पास कौन कर रहा था, इसमें कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के दो लोब और इसमें अंदर इसके दोनों लोबों के बीच में वन वन पेयर में कंप्लीट होती है, पैरा थायराइड ग्लैंड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, को क्या बोलते हैं, पैरा थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ओके। चलो अगर इसकी बात करें नेचर की, इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है, एंटागोनिस्ट होता है किसके, कैल्सिटोनिन के, ठीक है। क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, जैसे होता है ये प्रोटीन डेरिवेटिव से, ठीक है, पेप्टाइड। और अगर इसके नेचर की बात करें तो एंटागोनिस्ट टू एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन, एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें, वही जैसे तो फंक्शन लिखा था, तो इसके फंक्शन की बात करें, इसके तेरा था आपके पीडीएच का फंक्शन क्या है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, देखो इधर ये क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था कैल्शियम प्लस टू लेवल इन ब्लड, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम प्लस टू लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम प्लस टू लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और एक इंक्रीज तीन वे से होता है जो हमने डिस्कस किया था, देखो इधर फर्स्ट क्या है, देखो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम इंटेस्टाइन, फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। सेकंड है इसमें क्या है, सेकंड देखो इट मोबिलाइज कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, ये किसका बात कर रहा हूं मैं, कैल्शियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इसके जस्ट बस काम करेगा, क्या करेगा, इट इंड्यूसेज, इट इंड्यूसेज मूवमेंट
फूड ब्लड, बोन टू ब्लड में क्या करेगा ये मूवमेंट को बढ़ा देगा पेशेंट के, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन से क्या करेगा रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बोलो देखो इसको अच्छे तरीके से एक बार, क्या बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन,
बोन का डी मिनरलाइजेशन होता है, वहां से कैल्शियम निकलने लग जाता है, ठीक है, बोन से कैल्शियम निकलने के लिए कहां पर आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो ब्लड में आएगा क्यों, क्यों आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन होगा किसका, मेरा थायमिन का, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कौन इंक्रीज कर रहा है, मेरा थायमिन, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस इसका मीनिंग क्या होता है, डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन का क्या होना, डी मिनरलाइजेशन होना। और ये बोन का डी मिनरलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि ये देखो इधर अभी लिखा था मैंने, इट इंड्यूसेस मूवमेंट ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम बोन टू ब्लड, बोन से कैल्शियम प्लस टू के मोबिलाइजेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, कौन मेरा था कौन, इसका हाइपरसिक्रेशन होगा, जैसी बात करते थे होगा, इसका हाइपरसिक्रेशन होने की वजह से ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। तो हाइपरसिक्रेशन ऑफ हाइपरसिक्रेशन ऑफ पीटीएच, ठीक है। इसके बाद एक चीज और है, लिख लो उसके बारे में, हाइपोकैल्शियमिक रिटेनिंग कैल्शियम की कमी हो जाती है ब्लड में, ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिक रिटेनिंग। नेक्स्ट है इसमें हाइपोकैल्शियमिक रिटेनिंग। हाइपोकैल्शियमिक रिटेनिंग में क्या होता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिक ब्लड में ही होगा सुनेगी, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम प्लस टू लेवल यदि डिक्रीज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हाइपोकैल्शियमिक रिटेनिंग बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मेनली इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है, इसमें हमारे हैंड्स में और लेग्स में, हैंड्स में और लेग्स में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है, जिससे डिजीज पूरी होती है, जिसका नाम है हाइपोकैल्शियमिक रिटेनिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एडिनल ग्लैंड, ये वाली हमारी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें